तो दोस्तों आज दिन संडे है, सबकी छुट्टी है। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 बजने वाले हैं और देखते हैं घर पे सब क्या कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर चिन्नु दीदी बैठी हुई है जो कि अपना लैपटॉप में यूट्यूब चला के टाइम पास कर रही है। इसके पेपर आने वाले हैं, ये बिल्कुल नहीं पढ़ती है। देख लो इसके पेपर में जो रिजल्ट आएगा वो देखते हैं क्या आएगा। अरे मन्नू ने तो इतनी पढ़ाई कर रखा, कर रहा रोज की रोज। बस बस बस, मैं दूसरों के मुंह से तारीफ नहीं सुन सकता। खाना पीना नहाना मतलब नींद सब बिल्कुल पेपरों में लगा रखी है, पढ़ाई में लगा रखी है। एक एक पेज रट गे रहा है, एक एक अक्षर इसने रट गे रहा है। बस इतनी तारीफ बहुत है आज के लिए। तो चलते हैं, आज हम बना रहे हैं छोले कुलचे। तेरे को नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। तो खाना आपको तो दे देंगे। नहीं 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 चाहिए, मम्मी कह रही है। तो हमने आटा वगैरह तो पहले मतलब गूंथ लिया था। ये हमारा आटा है, इसमें हमने ईस्ट डाली थी, जो ड्राई ईस्ट आती है वो डाली थी, वो भी अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये हमारी ड्राई ईस्ट है, इसको हमने अमेजोन से परचेज करा था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको परचेज करनी हो। ये हमारा आटा है, हमने इसमें थोड़ी मतलब 2 कप चीनी और ड्राई ईस्ट और वार्म पानी मतलब गर्म नॉर्मल सा पानी उसको उससे गूंथा था ये। और उसके बाद हमने 1 घंटे के लिए रख दिया था और फिर 1 घंटे के बाद ये फूल गई। हमने आधी किलो मैदा ली थी और जब भी देखो कितनी फूल गई, देखो सॉफ्ट, देखो कितना है सॉफ्ट है ना। मिल्क पाउडर डाला और मिल्क पाउडर भी डाला था इसमें, वो पापा ने ध्यान दिला दिया। हमने 2 कुलचे बना लिए हैं, वो अभी ओवन में चल रहे हैं। अभी हम दिखाते हैं, अभी बनाते हैं धीरे धीरे और कुलचे। स्लो मोशन बना है, स्लो मोशन। कैसे हमारे बावर्ची अच्छे अच्छे से बनाने लग रहे हैं, जैसे इन्हें कई साल का एक्सपीरियंस हो। बताऊं अभी। और दोस्तों हमारे 2 कुलचे अभी यहाँ पर ओवन में बेक भी हो रहे हैं। देखो नक्शे ऐसे बनेंगे, तेरे में बता दूँ। तो दोस्तों वो जो हमारे 2 कुलचे थे वो सीख चुके हैं। कपड़ा ले दो जी, निकालो। ये देखो अभी इसको हम गैस पे भी सीखेंगे क्योंकि 2 बार सीखते हैं ये। नीचे हम इनको 2-2 करके सीखते हैं। ये कुछ हमारे थोड़े मोटे बने हैं, अब पतले बना, अब हम पतले बना रहे हैं। मोटे को कर दी थी, अब पर हम पतले बना रहे हैं। किस में रख रहे हो तुम? तो ये जो हमारे 2 कुलचे हैं इनको हम पंखे के नीचे रख देते हैं क्योंकि अभी ये थोड़े से टाइट है, ठंडे होने के बाद ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये मम्मी जी लो, मेरी थोड़े से ब्लॉग बनाओ। और आज मुझे दोस्तों बस एक चीज़ की खुशी हो रही है कि आज मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि आज मैं बना हुआ खाऊंगी। बनाना पड़ेगा मैं नहीं बनाऊंगी, मैंने बोला है अगर कुलचे बनेंगे तो सब भर पेट वही खाना। मैं रोटी सब्जी नहीं बनाने वाली और मैं जा रही हूँ अपनी मौसी के घर। ओके बाय बाय। अब यहाँ पे दोनों लगे हुए हैं दोस्तों। इसमें हम पहले ऑयल लगा रहे हैं, उसके बाद हम ऐसे कुलचे को ऐसे लेंगे। पर ये कुलचा ना इसके ये चीज ना मोटी नहीं होनी चाहिए। इसको फिर थोड़ा ऐसे करेंगे, ऐसे एकदम पतला हमने किया है, फिर ये फूल रहा है। ये देखो दोस्तों, दिखाओ। देखो दोस्तों देखो देखो, मन्नू बन गया है सेफ। पढ़ाई वढ़ाई तो इसने छोड़ दी है, अब सेफ ही बन गया। झूठ ना बोलो, कमेंट आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मेरे साथ बहुत अत्याचार होता है। छोटे छोटे आएंगे दोस्तों। अभी हमने इसको इसमें इंडक्शन में, इंडक्शन कह रहा हूँ, इंडक्शन ओवन में रख दिया हमको। इससे कॉन्वेक्स पे करना है और 180 डिग्री पे इसको पकाना है 10 मिनट के लिए। तो अब हमने इसको रख दिया। तो दोस्तों आगे का व्लॉग मम्मी जी थोड़ा सा बनाएंगी, तो अब हम बना देते हैं जल्दी जल्दी, फिर हम खाएंगे क्योंकि भूख सी लग रही है। आप सब थोड़ा सा एंजॉय करिए टाइम लैप में। बैठे बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले, तू भी
चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले। बैठे बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले। तू भी चले मैं भी चलूं। दोस्तों अभी हम अपना पहला कुलचा सेकने जा रहे हैं तवे पर। ये देखो हमारा कुलचा बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं, जैसे मतलब बाहर के होते हैं ऐसे बने हैं। तो यहाँ पर चुन्नू दीदी तो बना रही है छोले, थोड़े सी ट्राई कर रहे हैं पहले, और मैं अभी सेक लेता हूँ ये अपना कुलचे। अभी हम इस पर घी लगा लेते हैं। दोस्तों हमने घी लगा लिया है बहुत अच्छे से। दोस्तों हमने अपना पहला कुलचा रख दिया है सेकने को तवे पर, एक साइड हमने घी लगा के इसमें चल गया दोस्तों थोड़ा सा इधर भी लगा लेते हैं। बन गए दोस्तों, हमको तवा छोटा पड़ गया हमारा। दोस्तों यहाँ पर हमारा कुलचा सीख चुका है, अब खा लेते हैं। सीखना चुका है, जल चुका है, सीख चुका है। ये ब्राउन शेड है, इधर को ब्राउन शेड है, इसको बंद कर देते हैं, पहले खाते हैं। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और देखो दोस्तों यहाँ पर हमारा डोंगा डोंगा पूरा भर चुका है कुलचे से। पापड़ वाला सेक लो, बिल्कुल पापड़ है, बिना सेके भी सही लग रहे। देख कुछ कुलचे चुन्नू ने बिगाड़ दिए, पापड़ बना दिए कुलचे के। ये रोटी भी पापड़ ही बनाती है, कुलचे का भी इन्होंने पापड़ बना दिया है। कुछ काम ढंग से नहीं हो पाता इससे। पापड़ हो गया पापड़, ये ऐसा ना करी वो तो पतला कर दिया ज्यादा ही। देखो तो क्या बात है, फोड़ दिया ये चुन्नू का बनाया वो कुलचा पापड़ है। ओ न्यू चीज, कुलचा पापड़। तवा गरम कराना पहले, धर दे पट से पट से। चलो तो दोस्तों हमारा कुलचे सारे रेडी हो चुके हैं, और अब मैं खा के बताती हूँ कैसे बने हैं, टेस्ट कैसा आया है, और फिर मन्नू को देती हूँ नंबर। मन्नू ने तो बनाए हैं, मन्नू को क्या दोगी नंबर? तो खाऊंगी तभी तो दूंगी ना, अच्छे बने हैं। 0 मिले हैं या 10 मिले हैं, 100 में से 100 मिले हैं। लगभग ठीक ठीक है, नहीं जितना मैंने सोचा था उतना, उतने बुरे नहीं है, अच्छे हैं। चलो खाए गए एक बाइट। तो हमारी सेफ है ना जो हमारे कुलचे बनाने वाले थे, उन्होंने ज्यादा पतला कर दिया। देखो जरा इनकी हालत देखो, ये तो ये पापड़ हो गए हैं थोड़े से, ये पापड़ कुलचे हैं, पर क्रंची क्रंची अच्छे लग रहे हैं। मतलब वो सख्त वाला टाइट नहीं है, तो लगभग अब किसी का सबका हो ही गया है खाना, मतलब ये कुलचे। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, छोटे बड़ों का सबका ध्यान रखें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और शेयर कर देना अपने दोस्तों में, फैमिली में। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक बाय बाय।